पुढे पाहूया G20 परिषदेसाठी जपानमध्ये गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची भेट त्यांनी घेतलेली आहे. दोन्ही देशांमधल्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा झाली आणि या वर्षाच्या शेवटी आबे भारत भेटीवर येणार आहेत त्याकडे आपण आशेने पाहतोय असं आबे म्हणालेत. पुन्हा सत्तेवर आल्याबद्दल आबेंनी मोदींचं अभिनंदनही केलंय. भारत के लोकतंत्र के ऐतिहासिक घटना हमारे चुनाव और चुनाव पूर्ण होने के तुरंत बाद आप पहले भारत के मित्र थे जिन्होंने तुरंत टेलीफोन करके मुझे बधाई दी और आज फिर से आपने बधाई दी. मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्व का ध्यान भी भारत के लोकतंत्र उसकी वाइब्रेंसी उसकी विशालता उसके तरफ दिनों दिन आकर्षित हो रहा है. एक्सलेंसी मुझे प्रसन्नता है कि G20 समिट की मेजबानी करना कितना बड़ा काम होता है लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और बातचीत करने का अवसर मिला इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. जिस गर्मजोशी के साथ आपने आपकी सरकार ने और जापान ने मेरा मेरे डेलीगेशन का स्वागत सत्कार किया उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. G20 के चेयरमैन के रूप में आपने जो नेतृत्व दिया है अनेक विषयों पर आपने इनिशिएटिव लिया है एक सफल कार्यकाल के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं आपको बधाई देता हूं. एक्सलेंसी यह जापान का रेवा एरा का कालखंड है और उस कालखंड की हमारी ये पहली मुलाकात है. मैं आपको और जापान की जनता को यहाँ के नागरिकों को इस नए कालखंड के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे खुशी है कि हिज मेजिस्ट्री के राज्यारोहण के समय हमारे राष्ट्रपति जी अक्टूबर मास में इसमें शरीक होंगे और भारत को इस बात का गर्व होगा कि इस ऐतिहासिक घटना में हम भी साक्षी होंगे और मैं इसके लिए भी आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ. फिर एक बार स्वागत सत्कार के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन.